हेलो फ्रेंड्स, तो एक तड़कती भड़कती न्यूज लेकर आया हूँ आप सबके लिए, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो यार देखो, मून नाइट को ऑडियंस की तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जो कि वो डिजर्व भी करती है। लेकिन दोस्तों, रिसेंटली एक रेडिट यूजर ने ये नोटिस किया है कि मून नाइट के बैकग्राउंड म्यूजिक को महाभारत से कॉपी किया गया है। अब अगर आप एक इंडियन हो तो आपको याद ही होगा कि आज से 8-9 साल पहले स्टार प्लस पे महाभारत सीरियल को शुरू किया गया था, जो कि टीआरपी के मामले में तो पुरानी वाली महाभारत को बीट नहीं कर पाया था, लेकिन जितनी भी ऑडियंस इसे देख रही थी उनको ये शो पसंद आ रहा था, क्योंकि पहले तो इसका बैकग्राउंड स्कोर एपिक लेवल का था और विजुअल्स भी काफी अच्छे थे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा था कि एक रेडिट यूजर ने ये क्लेम किया है कि मार्वल ने महाभारत सीरियल के बैकग्राउंड म्यूजिक को ही रिक्रिएट करके मून नाइट के लिए यूज किया है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बात में कोई सच्चाई है। तो यार, इस बात को मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता और पूरी तरह से नकार भी नहीं सकता, क्योंकि जब मैंने खुद से इन दोनों शोज के बीजीएम को सुना तो सच में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज मुझे नजर आई है और इन दोनों के कॉर्ड्स भी बिल्कुल सेम है। तो यार हाँ, सिमिलैरिटीज तो है इन दोनों में। अब दोस्तों देखो, यहाँ तो मैं वो म्यूजिक नहीं बजा सकता, लेकिन मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें मैंने इन दोनों शोज के म्यूजिक का कंपैरिजन किया है। तो इसलिए अगर आपको उस वाले पोर्शन को सुनना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हो। और यार, अगर मन करे तो फॉलो भी जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों से इंस्टाग्राम पे इंटरेक्ट करता रहता हूँ। और बाकी दोस्तों, बात करें कि मार्वल ने इस म्यूजिक को कॉपी किया है या नहीं, तो उसके लिए मेरा आंसर है कि भाई कौन नहीं करता। ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक दूसरे को कॉपी ही करती है, लेकिन यार इसको हम पूरी तरह से कॉपी भी नहीं बोल सकते, बस इंस्पायर्ड कह सकते हैं। एंड दोस्तों, क्योंकि मून नाइट भी गॉड्स वाले फैक्टर पे ही काम कर रहा है और महाभारत में भी गॉड्स वाला ही एंगल था, तो इसलिए शायद मार्वल ने इंडियन ड्रामास के बीजीएम पे रिसर्च किया होगा। और यार, अगर मान लो कि सच में महाभारत के ही बीजीएम को मून नाइट में कॉपी किया गया है, तो तुम क्या उखाड़ लोगे मार्वल का? स्टार प्लस का भी मालिक डिज्नी है और मार्वल का भी, तो इसलिए एक तरह से वो लोग अपने ही कंटेंट का यूज कर रहे हैं। और दोस्तों, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराने टीवी शोज का बीजीएम होता था, वो आज के बॉलीवुड मूवीज से भी ज्यादा अच्छा था। हातिम का बीजीएम याद है तुम्हें? और दोस्तों, हातिम से याद आया कि मुझे बहुत बार ऐसा फील हुआ है कि क्रिश मूवी का बीजीएम भी हातिम सीरियल के बीजीएम से ही इंस्पायर्ड था। अगर आपको भी ऐसा कभी लगा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और बाकी महाभारत और मून नाइट का बीजीएम कंपैरिजन आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, तो इसलिए एक बार मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लेना। तो यार बस आज के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।